नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इसपे नई न्यूज। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। यूं कहें कि वो हमला भी कर रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं। आरोप क्या है, आइए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। इससे पहले आपको बता रहे हैं कि यूपी में सातवें चरण का जो मतदान है सुबह से लगातार 7 बजे से जारी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अलग आरोप लगा रहे हैं और तमाम विपक्ष के नेता अलग आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इन आरोपों के बीच देखा जाए तो राकेश टिकैत पहले से ही आगाह कर रहे हैं, इतला कर रहे हैं कि यूपी में तमाम किसान के साथ साथ विपक्ष भी अलर्ट रहे, तैयार रहे, क्योंकि 10 मार्च को बड़ा धांधली होने वाला है। वो धांधली ईवीएम की वो इशारा कर रहे हैं या फिर किस धांधली की बात कर रहे हैं, उन्हें पूरा संक्षेप में बताना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये बेईमान सरकार जो है वो जीतने नहीं देगी, यानी बीजेपी को वो बेईमान साबित कर रहे हैं। एक बड़ी बात ये भी है कि जिस तरह से लगातार 3 नई कृषि कानून वापस होने के बाद राकेश टिकैत हमलावर रहे हैं, उसका जवाब बीजेपी ने अभी तक नहीं दिया है, ना बीजेपी के प्रवक्ताओं ने और ना ही सीएम योगी हो या फिर पीएम मोदी। अब देखना यही होगा कि जिस धांधली की वो बात कर रहे हैं क्या वाकई में ऐसा देखने को मिलता है। अभी तक जो सातवें चरण का जो मतदान जारी है, इससे पहले छठे चरण की बात करें तो कई ऐसे जगह आई जहां ईवीएम खराब नजर आया, जहां पे ईवीएम की धांधली को लेकर तस्वीरें आई, कहीं लाइटें कट गई, तो तमाम चीजें आई। इन तमाम चीजों को देखते हुए देखना यही होगा कि क्या वाकई में 10 मार्च को तख्ता पलट जाएगा, क्या बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्या राकेश टिकैत जो दावे कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो सही साबित होगा। और अगर ऐसा होता है तो वाकई में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है जिसका सामना उन्हें करना ही पड़ेगा। खैर, देखते हैं 10 मार्च को होता क्या है और किसका सपना पूरा होता है, और जो आखिरी सवाल है, या आखिरी जीत का होली कौन पार्टी खेलता है। फिलहाल कितना ही बाकी खबरों के लिए देखते हैं।